खुशकिस्मती कि मैं हुजूर का उम्मत हूं, सारी जिंदगी इसका शुक्रिया अदा करता रहूं तो अके शुक्र अदा। हम हुजूर की उम्मती नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतजर रहे, हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बिफज़्ज़िन वला बिगल्ज़, वो तुरशरु नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा, बस वो आया जा रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया ना, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं जा रहा हूँ, चलो नाम भी बता देता हूँ, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहेरा राहब इंतजार करता रहा, शब्बे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई, जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो, मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया, एक पादरी के पास जाके रुके जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहां से गमूरिया आ गया, फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मां के ज़ुहूर के लम्हे आ गए, तू यहां से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी, तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा जो मुझे कोई निशानी बता दो। उसने कहा 3 निशानियां, एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोरे नबूवत। कहते मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफले में शामिल हो गया, उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में, एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतजार में था कि कभी वो नबी आखिरुज़्ज़मां आए तो मुझे दीद हो, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर समत से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए, मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि मैं नौकर तेरा ही हूं लेकिन दिल नौकर किसी और का है, मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे। मैं कुछ खजूरें ले गया था सदके की नीयत से, जाके हुजूर को पेश की। आका करीम ने फरमाया हम नबी सदका नहीं लेते। कहते हैं निशानी एक पूरी हो गई। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद और खजूरें ले गया और मेरी नीयत हदिया की थी, मैंने पेश की, हुजूर ने कबूल फरमा ली। लेकिन मैं भी कहता था तीसरी निशानी भी पूरी हो ले तो फिर मानूंगा, और वो क्या थी, 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत। कहते हैं एक दिन हुजूर मेरे बाग में आए और आका करीम ने अपने मुबारक कंधे पे चादर रखी हुई थी और चादर की ओट में मोहरे नबूवत छुपी हुई थी, और मैं पीछे होके देखता था और मेरी आरजू ये थी कि कोई तेज झोंका हवा का आए और चादर हट जाए और मैं मोहर नबूवत की ज़ियारत कर लूँ। हुजूर मेरे इरादा कल्ब से आगाह हुए, फअल्का इलैया रिदाअहु, हुजूर ने चादर उतार के मेरी जानब फेंकी और फिर ऐसे रुख करके फरमाया उन्ज़ुर इला मा उमिरता बिही, उस पादरी ने जो बताया था देख ले आके। तो कहा मैंने देखा कि हुजूर के रुख के दरमियान, शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना, हमने तो कोई दुख नहीं सहा,
हम सोए थे, मुकद्दर जाग उठे। हमारे वालिद मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए। उन्होंने कान में आके कहा, मुबारक हो, तू हुजूर का नौकर बन के आ रहा। मेरे वालदे गिरामी एक शेर झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबशर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान ना जाऊं, आप अपने मुकद्दर पे निसार ना जाएं, हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी। बनू साद के मुकद्दर भी जाग उठे। अल्लाह अकबर, क्या वो खुश नसीब वादियां थी, क्या वो खुशबख्त पहाड़ थे। बनू साद के जहां हुजूर ने जिंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं हुजूर को घर ले गई तो मेरे घर में रोशनियां आ गईं। बाकायदा औरतों ने कहा, हलीमा तू इतनी अमीर हो गई है, रात को भी दिया नहीं बुझाती। बड़े अमीर कबीर घरानों में भी रात को लोग दिया बुझा दिया करते हैं, लेकिन तू इतनी ही अमीर हो गई है कि रात को भी तेरे घर का दिया नहीं बुझता। तो हलीमा सादिया ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे घर में दिया कौन सा रोशन। बाकायदा हम जोलियों को बुलाया, पालने में हुजूर थे, इशारा करके कहा, मा कुन्ना नहताजो इलस सिराजे मिन यौमिन अखज़ना हो, जब से ये प्यारा घर आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। कहा, मा कुन्ना नहताजो इलस सिराज मिन यौमिन अखज़ना हो, जब से ये प्यारा घर में आया है मैंने सारे दिए तोड़ दिए। जहां रोशनी चाहिए होती है, हुजूर को उठा के उस कमरे में ले जाते हैं, वहां अनवार फैल जाते हैं, रोशनियां फैल जाती हैं। कैसे उजाले फैले, कैसी रोशनियां फैले। हलीमा दा छप्पर खजूरी दे थल्ले, हूरां विछाले नूरी मुसल्ले, फरश तो अरश तक पै गई दोहाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी खुदाई। अल्लाह अकबर। वो सारा दिन तो सहराओं में घूम लेती थी, उसे जब भूख लगती थी लबों को चूम लेती थी। बख्त जागे हलीमा सादिया के, हुजूर उनके घर आए। अल्लाह अकबर। जिधर से गुजरते गए नूर फैलता गया, अनवार फैलते गए। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं कुछ सी रही थी कि मेरे हाथ से सुई गिर गई। अब हुजूर के घर में दिए में जलाने के लिए तेल भी नहीं था, मैं परेशान थी, सुई गिर गई। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर मुस्कराए, कहती है, मैंने गुमी हुई सुई तलाश कर ली। अल्लाह अकबर। तो ये रोशनी थी, ये अनवार थे। अल्लाह अकबर। इजा दाहे का यतलाला फिल जुदर, जब हुजूर मुस्कराते थे सामने वाली दीवारों पर अक्स पड़ता था। अल्लाह अकबर। जब मुस्कराते थे नूर फैल जाता था। इजा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुज मिन बैन सुनायाहु, हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा फासला था और जब आका करीम गुफ्तगू करते थे वहां से नूर की किरणें छिन छिन के निकलते थे, अनवार फैल जाते थे। ऐसा नूरी माहौल, ऐसा नूरानी चेहरा। हजरत अबू हुरैरा बोले, कल कमरे लैलतुल बद्र लमारा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, क्या पूछते हो, चौदहवीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा, नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत हसान बिन साबत पास खड़े थे, कहा, देखते कैसे, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते, खुदा ने उस सच्चाई पन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नू टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। मिसले उदर आलमे इमकां मुतसव्वर ने, हजरत शेख मुजद्दद कहते हैं, हुजूर की मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और इकबाल का लहजा भी देखिए, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब उससे दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। तो वो पैकर तराशा, वो पैकर तराशा, मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक दी लाठ नौरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमू रखी हिंद मद भरी, कैसा जमाल दिया, कैसा हुस्न दिया। अच्छा, बरेली के इमाम से भी पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर। बुल बुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा,
बुलबुल की मुंतहाए परवास तो यही है ना, किसी को फूल कहते। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। वो हुस्न दिया, वो जमाल दिया अल्लाह ने अपने।